मेरे पास हज साहब आए थे 16 अक्टूबर को, और हज साहब को जो इशू था अराउंड द आईलेट्स आईब्रोज, और उस वक्त इनके जो मस्टेच एरिया थे वो भी मस्टेच एरिया वो भी अफेक्टेड था, बहुत तकलीफ में थे। पिक्चर बैकग्राउंड में आ जाएगी, आपको नज़र आ रही होगी। तो अलहमदिल्ला आज कितना अर्सा हुआ, डेढ़ महीना हुआ अलहमदिल्ला आपके सामने है सब, और प्रॉब्लम क्लियर है। सो प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट, उससे दो फायदे होते हैं, तो मरीज का मसला सॉल्व हो जाता है, दूसरा पेशेंट पे इकोनॉमिक बर्डन, पैसों वाला मसला, और उसके गुर्दे उसके जिगर उस पर गैर जरूरी दवाइयों का बोझ जो है ना वो नहीं रहता। तो तासरात के सुन में जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं डॉक्टर साहब के पास आया, पहले मैंने बहुत जगह पर इलाज कराया था यहीं कराची में जी हाँ, मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि मज़ीद वो बिगड़ता गया और बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। तो मैं डॉक्टर साहब के पास आया, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे ट्रीटमेंट किया और प्रॉपर ट्रीटमेंट किया, उससे जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम मुझे बहुत फ़ायदा। शुक्र है।